फाइनली एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू खत्म हो चुका है। शो काफी अच्छा था, काफी अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले, बट एट दी एंड बात सबसे ज्यादा जो हो रही है वो ब्रे वाइट के रिटर्न की हो रही है। फाइनली रिलीज होने के बाद उन्होंने WWE में रिटर्न कर लिया है। अब एक्सट्रीम रूल्स के बाद कुछ बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके साथ साथ एक AEW के बड़े सुपरस्टार से रिलेटेड भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट अपडेट जो निकल कर आ रही है वो जुड़ी हुई है लिव मॉर्गन से। जैसा कि हम सभी ने देखा कि लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी के बीच एक्सट्रीम रूल्स में एक्सट्रीम रूल्स मैच देखने को मिला था, जहां पे रोंडा राउजी ने लिव मॉर्गन को फाइनली डिफीट करते हुए न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का टैग अपने नाम कर लिया है। अब मैच हारने के बाद लिव मॉर्गन को एरिना में बैक स्टेज एक कोना पकड़ के बैठा हुआ देखा गया, जहां पे वो कुछ अजीब सी हरकतें करती हुई दिखाई दी। उनके पास एक शैडो भी दिखाई दे रही थी, जिसके बाद कहा जा रहा है लिव मॉर्गन के कैरेक्टर में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है, वो शायद कोई डार्क कैरेक्टर हो सकता है लिव मॉर्गन का। अब उसी दौरान ब्रे वाइट की वापसी उस शो में होती दिखाई दी है, तो कुछ रूमर्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद लिव मॉर्गन का कनेक्शन ब्रे वाइट के साथ कुछ दिख सकता है, जिस तरह से ब्रे वाइट के साथ अलेक्सा ब्लिस दिखाई देती थी फिंड कैरेक्टर में और फायरफ्लाई फनहाउस में, उसी तरह से शायद मॉर्गन को अब WWE शायद ब्रे वाइट के साथ इन्वॉल्व दिखाई दे सकती है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा वो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन रूमर्स जो आ रहे हैं वो इस तरह के भी आ रहे हैं कि ब्रे वाइट को कोई फीमेल कैरेक्टर WWE में ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। अब शायद वो अलेक्सा ब्लिस हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता अलेक्सा ब्लिस होंगी, क्योंकि अलेक्सा ब्लिस ने रैंडी ऑर्टन के खिलाफ जो फिंड का लास्ट मैच था उसमें उन्होंने धोखा दिया था, तो या तो हो सकता है कि ब्रे वाइट यहां पे अलेक्सा ब्लिस से बदला लेते हुए दिखाई दे जाएं। वैसे आपको बता दूं कि ब्रे वाइट के रिटर्न के बाद अलेक्सा ब्लिस ने एक ट्वीट भी कराया जिसमें लिखा है उन्होंने हेलो ओल्ड फ्रेंड, तो मुझे नहीं लगता है कि अलेक्सा ब्लिस ज्वाइन करेंगे, लेकिन हाँ लिव मॉर्गन के ज्वाइन करने के चांसेस हैं। आप देख सकते हैं वो किस तरह से अजीब हरकतें कर रही हैं और एक कोना पकड़ के WWE में बैठी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं डैनियल कॉर्मियर के बारे में। आप लोगों को बता दूं डैनियल कॉर्मियर सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल के बीच फाइट पिट मैच जो एक्सट्रीम रूल्स में दिखाई दिया था उसमें उन्होंने रेफली का रोल प्ले करा था, जिसमें वो काफ़ी ठीक भी लग रहे थे। उन्होंने रिडल को और सेथ रॉलिंस को कुछ मौकों पर धमकाते हुए भी नजर आए, हालांकि रेफरी नॉर्मल रेफरी ऐसा नहीं करते हैं। खैर डैनियल कॉर्मियर की WWE में रिटर्न को लेकर जब अपडेट्स आई उसके बाद से डैनियल कॉर्मियर वर्सेज ब्रॉक लेसनर के बीच WWE में मैचेस को लेकर काफ़ी रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। कहा जा रहा कि क्राउन जूल में शायद हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस डैनियल कॉर्मियर के बीच मैच दिख सकता है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जो इस तरह की बातें कर रही हैं कि डैनियल कॉर्मियर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच अभी WWE में किसी भी तरह का कोई मैच नहीं दिखेगा। डैनियल कॉर्मियर अपना फर्स्ट मैच सेथ रॉलिंस के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं WWE में। अब इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है वो आप लोगों को बता देता हूं। एक रिपोर्ट दावा कर रही है कि जब UFC 2018 में ब्रॉक लेसनर ने डैनियल कॉर्मियर का कन्फ्रंटेशन दिखाई दिया था, जहां ब्रॉक लेसनर ने डैनियल कॉर्मियर को धक्का दिया था, उसके बाद इस तरह का एंगल सेट करा गया था कि UFC में इन दोनों के बीच मैच हो जाए। डायना वाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि इन दोनों के बीच UFC में मैच दिख जाए, लेकिन ऐसा वहां पॉसिबल नहीं हो पाया। और इसके पीछे जो वजह आ रही है वो ये आ रही है कि ब्रॉक लेसनर ने खुद इस मैच के लिए मना कर दिया कि वो इस तरह का मैच लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब डैनियल कॉर्मियर का रिटर्न WWE में हो चुका है। वहीं WWE में भी अभी इस तरह की कोई बातचीत नहीं है या किसी तरह का कोई भी बैक स्टेज डिस्कशन नहीं है कि डैनियल कॉर्मियर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच हाल फिलहाल मैच दिखाया जाए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ महीनों बाद इस तरह का मैच देखने को मिल जाए, लेकिन क्राउन जूल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि WWE अपनी गलती दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहेगी। आप लोगों को याद होगा तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वेलास्केस, जो कि UFC के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनके बीच भी WWE ने सऊदी अरेबिया में मैच कराया था, जो कि केन वेलास्केस का पहला मैच था, जहां पे फैंस उस मैच को देख करके ज़्यादा खुश नहीं हुए थे। तो WWE अब शायद डैनियल कॉर्मियर को लंबे रन के लिए WWE में रखना चाह रही है और इस तरह से शायद उनका मैच ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं कराना चाह रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डैनियल कॉर्मियर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच WWE में दिखी जाए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर UFC में उनके अगेंस्ट मैच को लेके मना कर चुके हैं। तो अब देखते हैं क्या डैनियल कॉर्मियर वाकई सेथ रॉलिंस के साथ दिखाई देते हैं या ये केवल रूमर्स बन के रह जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रॉ के सीजन प्रीमियर एपिसोड के बारे में। आने वाला जो रॉ का एपिसोड है ना, उसको WWE ने सीजन प्रीमियर का नाम दिया है। एक्सट्रीम रूल से पहले जो स्मैकडाउन का एपिसोड था उसको स्मैकडाउन सीजन प्रीमियर एपिसोड का नाम दिया गया था। वहाँ पे ट्रिपल एच भी देखने को मिले थे। और आप लोगों को बता दूं कि रॉ के सीजन प्रीमियर में काफ़ी टाइटल मैच दिखने वाले हैं, कुछ लेजेंड यहाँ पे रिटर्न करते हुए देखने वाले हैं। वहीं आप सभी को बता दूं बड़ी बात यह है कि ब्लड लाइन भी इस रॉ के एपिसोड का पार्ट होने वाली है, मतलब कि ब्लड लाइन का पूरा फैक्शन जिसमें रोमन
रेन, सोलो सिकोवा, पॉल हेमन, उसोस और सैमी ज़ेन मौजूद होंगे। अब सवाल ये आता है कि ब्लड लाइन रॉक के इस एपिसोड में दिख करके क्या करेगी, जैसा कि रोमन रेंस की फ्यूड अभी लोगन पॉल के साथ चल रही है और स्मैकडाउन में हम सभी ने देखा था कि ब्लड लाइन को कन्फ्रंट करते हुए नजर आए थे लोगन पॉल। अब लोगन पॉल तो शायद रॉक के एपिसोड में नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन रूमर्स इस तरह के आ रहे हैं कि ब्लड लाइन को कोई बड़ा फैक्शन कन्फ्रंट कर सकता है या इंटरप्ट कर सकता है। अब शायद वो जजमेंट डे हो सकता है, या आप लोगों को बता दूं कि डीएक्स जनरेशन ग्रुप के मेंबर्स ब्लड लाइन को इंटरप्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, दोनों के बीच कन्फ्रंट दिखाई दे सकता है। हालांकि हो सकता है कि इन दोनों के बीच ब्रॉल वगैरह दिख जाए, जिसकी मुझे कम चांसेस लग रहे हैं। वहीं रूमर्स अभी इस तरह के भी आ रहे हैं कि उसोस किसी के साथ अभी फ्यूड में नहीं है, लेकिन हो सकता है क्राउन जूल इवेंट के लिए WWE डीएक्स जनरेशन ग्रुप के मेंबर्स वर्सेस उसोस के बीच एक मैच करा दे क्राउन जूल में, जिसमें शायद शॉन माइकल इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसा होगा या नहीं वो आने वाला टाइम बताएगा। वैसे मजा तो आएगा जब डीएक्स और ब्लड लाइन का कन्फ्रंटेशन होगा, और जजमेंट डे अगर ब्लड लाइन का कन्फ्रंटेशन हो जाए तो मजा ही बहुत आ जाएगा, क्योंकि जजमेंट डे रॉ में बड़ा धमाल मचाए हुए है। सिंगल सुपरस्टार को वो टारगेट करता है, एज का क्या हाल करा एक्सट्रीम रूल्स में, ये हम सभी ने देखा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी इस तरह के मतलब अंदर से उठ रही होंगी चीज़ें कि भाई जजमेंट डे का कोई बुरा हाल तो करे आके, तभी मजा आए। अब बात कर लेते हैं AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के बारे में, जिन्हें आप डीन एम्ब्रोस के नाम से भी जानते हैं। पिछले 3 साल से, या यूं कहूँ साल 2019 से, वो AEW यानी कि WWE की जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है उसी में परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। WWE ने डीन एम्ब्रोस को कंपनी से रिलीज कर दिया था, उसके बाद उन्होंने AEW ज्वाइन कर ली थी। अभी कुछ टाइम पहले जॉन मॉक्सली का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के रूमर्स आ रहे थे। ऊपर से उधर WWE में हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच बन गए, जिनके प्रेजेंस में हमें कुछ ऐसे स्टार के रिटर्न देखने को मिले जो WWE से रिलीज हो चुके थे। उसके बाद इस तरह के अपडेट्स या रूमर्स आने लगे कि शायद जॉन मॉक्सली या डीन एम्ब्रोस WWE में रिटर्न कर सकते हैं अंडर ट्रिपल एच गाइडलाइंस, लेकिन ये हम सभी जानते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। और शायद जो रेसलिंग कम्युनिटी के यूट्यूबर है ना, उन्होंने इस चीज़ को कवर भी करा था, और शायद उन्होंने ये भी बोला था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक यूट्यूबर है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा भाई, वो उसके बाद से डीन एम्ब्रोस के पीछे पड़ के रह गया है। उसने हर टाइटल में डीन एम्ब्रोस लिखना जरूरी होता है, और हर वीडियो की थंबनेल में उसको लगाना जरूरी होता है। अब चाहे वो रॉकी वीडियो हो, स्मैकडाउन की वीडियो हो, या वो मल्टीपल अपडेट्स को कवर करने वाली वीडियो हो, उस पे डीन एम्ब्रोस के फोटो पे रॉक का लोगो लगाना, स्मैकडाउन का लोगो लगाना, WWE के किसी पेपर व्यू का लोगो लगाना, बस नहीं चला आज एक्सट्रीम रूल्स की वीडियो पे भी डीन एम्ब्रोस का फोटो लगा देता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि WWE में डीन एम्ब्रोस वापसी करें ना करें भाई, लेकिन वो तो जरूर वापसी करा के मानेगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर, अब आ जाते हैं अपडेट पर। मॉक्सली AEW के लिए बहुत वैल्यूएबल सुपरस्टार हैं, इस बात का पता इसी चीज से चल जाता है कि जॉन मॉक्सली ने इतने सारे रूमर्स के बीच AEW के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। मतलब कि अब जॉन मॉक्सली AEW में 2027 तक रहने वाले हैं, और इतना ही नहीं AEW ने उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी बढ़ा दी हैं। शायद वो कोचिंग वगैरह और मेंटरशिप वगैरह भी करते हुए अब नजर आएंगे। अब भूल जाओ कि जॉन मॉक्सली, जिन्हें आप डीन एम्ब्रोस के नाम से भी जानते हैं, वो WWE में दिखने वाले हैं। अब इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर होती है कि AEW इतनी आसानी से जॉन मॉक्सली को कहीं और जाने नहीं देगी। वो अपने शोल्डर पर कंपनी को कैरी करके चल रहे हैं, और कंपनी के जो बहुत वीक पॉइंट थे उन पे भी जॉन मॉक्सली ने उनको संभाला है। जैसे कि मई में CM Punk इंजर्ड हुए थे, तब मॉक्सली अंतरिम चैंपियन के तौर पर दिखाई दिए थे। अभी भी जॉन मॉक्सली कंपनी को संभाल रहे हैं, क्योंकि CM Punk जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद बाहर चल रहे हैं। अब देखिए, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जॉन मॉक्सली की WWE में वापस आने की, लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि मैं खुद कह रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। AEW अगर जॉन मॉक्सली को फायर कर देती है, रिलीज कर देती है कंपनी से, तो शायद जॉन मॉक्सली WWE ज्वाइन कर लें, जो कि ऐसा होने नहीं वाला है। कुल मिला के जॉन मॉक्सली WWE में लौटेंगे, इन बातों पे अब फुल स्टॉप लग जाता है। देखते हैं उस यूट्यूबर की हर वीडियो के टाइटल में डीन एम्ब्रोस लिखना बंद होता है कि नहीं होता है। खैर, अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।